हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी टेल ऑफ इमॉर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि विंग जो है लंजन को हक करके सो जाता है, क्योंकि लंजन ने बहुत ही मतलब बुरा सपना देखा होता है। और उसके बाद जब लंजन को विंग हक करता है तो लंजन बिल्कुल ही पीसफुली सो जाता है विंग के बाहों में। और मतलब नेक्स्ट दिन जब सुबह होती है तो लंजन की नींद खुलती है, तो लंजन देखता है कि विंग के बाहों में सोया हुआ है अभी भी। विंग जो है ना उस तरफ मुंह घुमा के पिलो के अंदर ऐसे मुंह मतलब एकदम ढक के सोया हुआ है, पर उसने एक हाथ से ना लंजन को बिल्कुल टाइटली पकड़ा हुआ है, सिक्योरली पकड़ा हुआ है। और लंजन जो है ना उसने तो बिल्कुल विंग को दोनों हाथों पैरों से ऐसे जकड़ के उसके जो गले में है ना अपना सर वैसे घुमा के घुसा के ऐसे सोया हुआ होता है, बिल्कुल टाइटली होता है ना विंग को जकड़ के लंजन सोया हुआ होता है। जब उसकी आँख खुलती है ना और महसूस करता है कि उसने मतलब ऐसे विंग को जकड़ के पकड़ा हुआ है, तो देखता है और उसको मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने ना कभी भी किसी को ऐसे हक करके सोया नहीं होता है। ये फर्स्ट नाइट उन लोगों ने एक दूसरे को हक करके सोया होता है, शायद ये विंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, सॉरी लंजन का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा किसी को हक करके सोने का। पर उसे इतना अच्छा फील होता है ना, तो वो सोच रहा था कि ऐसा होता है कि शादी के बाद किसी के अपने हस्बैंड के साथ सोना, बल्कि ना वो काफ़ी अपने मन के अंदर ही स्माइल कर रहा होता है। और मतलब विंग को ना उसने अभी पकड़ा ही होता है, विंग को छोड़ा नहीं होता है, और विंग जो है ना बिल्कुल गहरी नींद में होता है। लंजन जो है ना मतलब वो काफ़ी समय तक विंग को ऐसे देख रहा होता है, विंग का फेस तो उस तरफ होता है, दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर होता है ना उसकी बॉडी और उसको सब कुछ को देख रहा होता है, उसकी धड़कन को महसूस कर रहा होता है कि दोनों इतने क्लोज थे ना, ऊपर से इतना सन्नाटे वाला रूम था कि मतलब उसको बिल्कुल महसूस हो रहा है। अब जो लंजन ना काफ़ी समय तक उसको देखता है, अपनी सारी चीज़ें सोच रहा होता है अपने मन के अंदर, जो लास्ट नाइट उसने देखा, जो भी सपने में देखा वो सब चीज़ें सोच रहा होता है, फिर कल जो भी चीज़ें उसके साथ हुई, उसकी शादी कैसे हुई, वो सब चीज़ों को सोच के ना उसके अंदर अच्छा फील हो रहा होता है। तो क्या करता है, काफ़ी समय तक ऐसे बेड में लेटा है, फिर वो ज़्यादा समय बेड में लेटा नहीं रह सकता है, तो वो उठ जाता है बेड से। उठता है तो देखता है कि वो मतलब विंग ने इतना टाइटली उसको सिक्योर कर रखा है ना कि वो मतलब छुड़ा नहीं पा रहा है खुद से। अब वो विंग को बिना जगाए कैसे मतलब उठाए, तो वो धीरे धीरे करके एकदम स्लोली स्लोली विंग के फिंगर्स को ऐसे खोलता है, खुद को अलग करता है, फिर अपने जो पिलो को ना वो विंग के हाथों में उसी जगह पे रख देता है जहाँ पे विंग ने उसको पकड़ा हुआ होता है। विंग थोड़ा सा हिलता है नींद में ही, पर वो फिर सो जाता है, उस पिलो को एक हाथ से टाइट पकड़ के सो जाता है। और सोने के बाद जो देखता है कि विंग बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया, लंजन चुपचाप टिपटो करके बेड से निकलता है, निकल के बाथरूम में जाता है, वहाँ पे जाता है, शावर लेता है, फ्रेश वगैरह होता है, ब्रश वगैरह करता है, उसके बाद आता है। आके ना मतलब उन लोगों ने अपने सूटकेस में थोड़े बहुत कपड़े रखे होते हैं, भी अलमारी वगैरह में रखे नहीं होते हैं, उसमें से कपड़े निकाल के वो चेंज भी करता है। चेंज करके बिल्कुल तैयार वैर होके वो सोचता है कि मतलब विंग अभी सो रहा है, इसको उठा के फ़ायदा नहीं है, वो नीचे चला जाए, तो बोल के वो रूम हल्का सा बंद करता है और बंद करके ना नीचे जाता है। तो नीचे जाके देखता है कि जो ग्रैंड मदर है वो उठ गई हैं और उठ के ना वहीं पर चाय पी रही हैं, बैठ के नीचे हॉलवे में चाय पी रही हैं, और जो उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं वो एक जो है लेडी बैठ के उनके साथ ही चाय पी रही हैं। उनको देख के मतलब लंजन जानता है उनको कि वो हेल्पर हैं, इनके डोमेस्टिक हेल्पर हैं, उनके घर में ही रहती हैं, पर वो ग्रैंड मदर की ना एक होता ना साथी टाइप की हो गई हैं, तो मतलब उनमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई ओनर है, कोई मेड है, वैसा कुछ नहीं है, वो फ्रेंड्स ही जैसे हैं। तो वो दोनों साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, और आसपास में और दूसरे जो स्टाफ हैं वो लोग कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, ऐसा कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं। तो वो जाता है, जाके ग्रैंड मदर को ऐसे मतलब बाव करके विश करता है कि गुड मॉर्निंग ग्रैंड मदर। तो जो ग्रैंड मदर होती हैं, ग्रैंड मदर बाव सेन सेंड्रन, वो बोलती हैं कि अरे मेरे सन, तुम ऐसे इतना ऐसे थोड़ी ना विश होता है, ऐसा गुड मॉर्निंग नहीं होता है, आओ मेरे हक करो, मुझे गले लग जाओ, बल्कि उसे बुलाती है। और लंजन भी जाता है और खुशी खुशी उनके गले लगता है। जो ग्रैंड मदर बाउसन सेंडन होती हैं वे जो होते ना लंजन को गले लगाती हैं, उसके फॉरहेड में एक हल्का सा किस करती हैं, और किस करके बोलती हैं बेटा कैसी रही नींद, तुमको नींद अच्छी आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो जो लंजन होता है वो बोलता है कि नहीं ग्रैनी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने अच्छे से बिल्कुल सोया वगैरह। उसके बाद जो होता है ना, ग्रैनी बोलती हैं कि बैठो मैं तुमको चाय मंगाती हूँ, बोल के उसे बिठाती हैं, तभी जो दूसरा मतलब किसी को बोलती हैं, अब वो स्टाफ जो है वो चाय लेके आ जाता है। तो लंजन बैठ के उनके साथ चाय लेता है, तभी जो है ना ग्रैनी बोलती हैं कि लंजन नाश्ते में क्या खाओगे बता दो, तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाएंगे आज। तो जो जो लंजन होता है ना कि ग्रैनी मैं हेल्प करना चाहता हूँ, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं विंग के लिए और सबके लिए मैं भी नाश्ता बनाना चाहता हूँ।
ग्रैनी बोलती है, अरे तुमको आता है कुकिंग क्या? तो लंजन बोलता है कि हाँ मुझे आता है। तो ग्रैनी बोलती है मैं तो सरप्राइज हूँ सुन के, मतलब तुम अभी इतने छोटे हो और मतलब तुम इतने पैम्पर्ड हो, मुझे लगा नहीं था तुम्हें आता होगा, कभी किचन में भी गए होगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम अगर हेल्प करोगे, पर खुद को बिल्कुल सेफली रख के बनाना, और मतलब खाली बस जो बनाना है बता भी सकते हो, तुम बस एक कुछ बना दोगे तो मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगी। तो रंजन बोलते हैं ओके, और फिर मतलब होता ना उससे पूछता है कि वेंग को क्या पसंद है, तो जो ग्रैंडमा है वो बता देती हैं कि वेंग को ये सब खाने में पसंद है, उसमें तो कुछ भी तुम बना दो, और जो मैं नहीं पता है वो आंट से पूछ लेना, आंट हेल्प कर देंगे तुमको। तो ये बोल के वो हाउसकीपर जो आंट होती है उसको, जो उसकी ग्रैनी है, वो मतलब इंस्ट्रक्ट कर देती हैं कि तुम जाओ लंजन का हेल्प करना। अब लंजन और जो आंट होती है और स्टाफ वगैरह मिल गया किचन में कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो आंट बता रही होती हैं कि क्या क्या वेंग को पसंद है, जो भी चीज़ें हैं ना, और उसके बचपन में कैसे कैसे चीज़ें करता, तो वो सारी बातें उससे बातें कर करके दोनों भी कुकिंग कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट कुकिंग सब कुछ होने ही वाला होता है ना, तभी मतलब लंजन को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो पीछे मुड़ के देखता है कि वेंग जो है ना उठ गया है, अभी फ्रेश नहीं हुआ है, क्योंकि उसके उसके जो बाल वगैरह ना अभी बिखरे हुए हैं, आंखें बिल्कुल फ्लफी फ्लफी है, ऐसा लग रहा होता है कि नींद से ही उठ के आया है। हाँ ब्रश वगैरह ज़रूर कर लिया होगा, उसने तो देख के लग रहा है, तो वो मतलब होता है ना नींद से उठा हुआ होगा और लंजन को नहीं देख के ना उसको ढूंढते हुए आ गया होगा। तो वो देखता है, ग्रैंडमा को मिलता है वेंग उठ के, तो देखता है, ग्रैंडमा बोलती है कि तुम उठ गए, तुम्हारे हस्बैंड तो देखो बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके आ गया और किचन में कुकिंग ही कर रहा है, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसा आदमी मेरा जो इतना अच्छा मतलब सन इन लॉ लेके आ जाएगा मेरे लिए, तुम तो इतने लेजी हो देखो तो। अब मेरा ग्रैंड सन इन जो लॉ है वो बिल्कुल मेरे मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मेरा मतलब है, मेरा पोता है वो भी। तो वेंग जो होता है अपनी ग्रैनी को विश वगैरह करता है और किचन में आता है, आके देखता है कि उसका हस्बैंड एकदम सिंसियरली मतलब बातें कर करके और एकदम सिंसियरली कुकिंग कर रहा होता है, अभी जो उसमें स्माइल कर रहा होता है, उसे कुछ हाउस जो कीपर हैं वो कुछ बोल रही होंगी तो उसकी बातें सुन सुन के ना हंस भी रहा होता है बीच बीच में। तो वेंग उसे दो तीन मिनट ऐसा ऑब्जर्व करता है, फिर मतलब होता है ना सोचता है कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, इतने बातों में मशरूफ है कि वो सोचता है कि उसका ध्यान अपने तरफ लाए, बोल के गुड मॉर्निंग हस्बैंड बोल के उसे विश करता है। और लंजन भी है ना उसे देख के ना गुड मॉर्निंग का मतलब आवाज़ सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और वो भी मतलब पीछे मुड़ता है और मुड़ के देखता है कि मतलब होता है ना जो वेंग है वो पीछे खड़ा है, तो उसे देख के स्माइल करता है, स्माइल करके बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग तुम उठ गए। तो वेंग जो होता है लंजन के धीरे धीरे पास आ जाता है, आके बोलते हैं हाँ मैं उठ गया, तो मेरी वाइफ ही क्या बना रही है मेरे लिए। और ये सुन के ना जो लंजन होता है ना थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट कुछ बताता है, डिश का नाम बताया, तुम्हारा फेवरेट बना रहा हूँ मैं, वेंटोन्स बना रहा हूँ। तो जो बोलता है वाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बल्कि उसके पास आके खड़े हो जाता है और देखने लगता है कि कैसे बना रहा है वो। और मतलब उसके पास आने से ना लंजन को थोड़ा सा होता ना शाई महसूस होता है, सेंसिटिवनेस महसूस होता है, और उसे वही याद आ जाता है कि कैसे सुबह मतलब जो होता है ना उसको वेंग ने हक किया था, और स्पेशली लंजन ने कैसे मतलब उसको दोनों हाथों पैरों से जकड़ के सोया होता, उसको ये याद आ जाता है, वो थोड़ा सा शाई महसूस करने लगता है, थोड़ा सा कॉन्शियस महसूस करने लगता है। तभी वेंग जो है ना उसको देखता है, उसको फील होता है कि लंजन जो है थोड़ा सा शाई हो गया है, उसके ईयर्स और जो होता है ना नेक वगैरह थोड़ा सा रेड हो गए हैं। तो वेंग उसको देखता है और स्माइल करता है और सोचता है कि थोड़ा सा और क्यों ना अपने न्यूली वेड हस्बैंड थोड़ा सा उसको टीज़ करूँ, बोल के उसके पास जाता है, उसके पास जाके एकदम कान के पास आके बोल रहा होता है कि बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, मुझे थोड़ा टेस्ट करवाओ। और मतलब उसके जो ये मतलब आवाज़ उसके कान के पास होती है ना, जो लंजन होता है जो स्टीर कर रहा होता है वेंटन्स को सूप में, मतलब वो थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके हाथ से जो स्पून होता है ना वो ज़ोर से गिर जाता है उसके ऊपर, उसके होते क्या होता है ना कुछ जो बूंदियाँ होती है ना वो जो लंजन होती है उसके हाथों में आके गिर जाती हैं, जलता नहीं है, थोड़ी सी कुछ बूंदी गिर जाती है, पर जो इम्पैक्ट होता है ना उससे जो वेंटोन्स होते हैं ना बिल्कुल लंजन के ऊपर ही जो पॉट होता है वो गिरने वाला होता है, मतलब इस तरीके से गिरा होता है कि एक साइड से थोड़ा सा गिरने वाला होता है। अब वेंग बिल्कुल तुरंत देख लेता है, देख कर समझ जाता है कि इसके ऊपर गिरने वाला है, वो विद इन सेकेंड ही उसको वेंग लंजन के होते हैं ना लंजन के पेट के आगे अपना हाथ रख देता है और हाथ से उस बर्तन को पकड़ के सीधा कर देता है, ताकि वो होता ना अगर गिरता तो वो जो होता ना लंजन के पेट में ही गिर जाता सीधा, क्यों होता है पेट के पास ही गिरेगा तो कुछ बर्न वगैरह हो सकता, बल्कि इंस्टिंक्टली जो होता है ना वेंग जो है अपने हाथों से उसको हटा देता है। तो थैंकफुली जो पॉट है ना वो लंजन के ऊपर नहीं गिरता है, पर वो गरम गरम पॉट का हाथ लगा दिया होता ना तो वेंग का हाथ जो होता है उसका लेफ्ट हैंड स्पेशली लेफ्ट हैंड ना हल्का सा जल गया होता है, और मतलब जो वेंग
जो सो करता है ना उसको रख के ऐसे करके जोर से साउंड लेता है। लंजन बिल्कुल वो कुछ सेकंड के अंदर ही वो होता है, लंजन बिल्कुल देख लेता है कि क्या होने वाला, तब वो एकदम घबरा जाता है। वो होता ना वेंग को हाथ, जब होता ना वेंग के हाथ से पॉट को उसके हैंडल को पकड़ के साइड से उसको बिल्कुल अच्छे से रख देता है ताकि गिरे नहीं, और वेंग का हाथ को देखता है, देखता है बिल्कुल रेड रेड होने लगा है। वो जाके तुरंत उसको पानी मतलब टैप वाटर ऑन करके और उसको हाथ से सहला सहला के उसको टैप के नीचे रख देता है ताकि उसको थोड़ा सा सूथिंग महसूस हो, ताकि उसको ब्लिस्टर्स वगैरह ना आए। और काफ़ी समय तक होता ना वेंग जो है लंजन के मतलब हाथों में, मतलब लंजन जो है वेंग के हाथों को पकड़ के अपने हाथों में रख के ना उसको काफ़ी समय तक ऐसा 10-15 मिनट तक उसको नॉर्मल वाटर से उसको वॉश करता है। जब उसको मतलब होता ना फील होता है कि थोड़ा सा रेडनेस गया है तो वो निकालता है, निकाल के देखता है कि ऑलरेडी रेड रेड हो गया है, मतलब अगर इसको अभी कुछ नहीं किया गया तो थोड़ा बहुत ब्लिस्टर्स भी पड़ जाएंगे, और हाथ के ऊपर वाले हिस्से में हुआ होता है हल्का हल्का, अंदर वाले हिस्से में तो थोड़ा बहुत लाल हुआ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता है, ऊपर वाले हिस्से में ना 3-4 उंगलियों में ऐसा लग रहा होता है कि ब्लिस्टर शायद आ जाएंगे। तो क्या करे वो, मतलब वो घबरा जाता है, वो आई एम सॉरी बोल के ना, वैसे भी पहले भी बोल रहा होता है और अभी तो और ज़्यादा ही बोलने लगता है, एकदम रोने लगता है लंजन। वो तो आई एम सॉरी सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, और जो वेइंग होता है ना उसको बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ऐसे अचानक से मतलब होता है ना घबराना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी मेरी गलती है। और दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोल रहे होते हैं। तब तक जो होता है ना वे जो हाउसकीपर है वो आ गई होती है रूम के अंदर। जब वेइंग आया था ना तो हाउसकीपर ऑलरेडी निकल के चली गई थी बाहर, तो वो आ गई होती हैं और आके देखती हैं कि ऐसा कुछ हो गया। तो वो बोलती हैं कि तुरंत चलो जाके क्रीम वहाँ पे रखा हुआ है बर्निंग क्रीम वो लगाओ, बोल के उनको बोलती हैं। और मतलब उनको बोल के वो पॉट का जो होता है ना उसका आँच को धीमे कर देती हैं और किसी और मेट को बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना, बोल के उनको लेके हॉलवे में जाती है। तब तक ग्रैनी भी वहाँ होती है, वो देख के पूछती है क्या है, तो मतलब होता है ना बताने लगते हैं कि मतलब जो जो हाउसकीपर है वो मेडिसिन लेने के लिए चली जाती हैं, और जो लंजन है ना वो बताने लगता है कि मैं ऐसे कर रहा था, मेरे हाथों से मतलब गिरने वाला था पॉट, वेइंग ने मुझे बचा लिया पर उसका हाथ जल गया। तो मतलब बोल के रोने लगता है, थोड़ा सा होता ना घबरा गया होता है। वेइंग बोलता है कि नहीं ग्रैनी ऐसी बात नहीं है, मैंने ही लंजन को थोड़ा सरप्राइज कर दिया और मेरे सरप्राइज से थोड़ा सा वेइंग जो लंजन है थोड़ा सा घबरा गया और इसीलिए ना उसका हाथ से ही गिरने वाला था, उसकी गलती नहीं है मेरी ही गलती है। तो ग्रैनी बोलती है कोई किसी की गलती नहीं है, कोई बात नहीं, हो गया छोटा सा इंसिडेंट है, मैन हो इतना मत घबराओ, जाके उसमें क्रीम वगैरह लगा लो ठीक हो जाएगा, मैन को इतना बहुत चलता है। और लंजन को बोलती है कि लंजन तुम घबराओ मत, कोई बात नहीं सन, थोड़ा सा तो होता ही है लाइफ में, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा रिलैक्स करती हैं। तब तक जो होते हैं ना हाउसकीपर आन जो है वो एंटीसेप्टिक क्रीम और जो बर्निंग क्रीम वगैरह होता है वो सब लेके आ गई होती हैं। तो लंजन जो है वो खुद ही अपने हाथों से लेता है, लेके सारे क्रीम वगैरह अप्लाई करता है। उसके बाद जो ग्रैनी होती है बोलती है इसको हल्का सा बैंडेज कर दो ऊपर वाले हिस्से को, ताकि इसमें पानी वगैरह लगे नहीं, तो होता है ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ब्लिस्टर्स भी नहीं पड़ेंगे इसमें। तो वेइंग जैसा बोला होता है वैसे ही फर्स्ट एड करता है, बहुत सीवियर कुछ नहीं होता है, अंदर वाले हिस्से में हल्का सा जला हुआ होता है पर उसको नहीं चाहिए, ऊपर वाले हिस्से में जो थोड़ा बहुत ब्लिस्टर्स होते हैं उसी के लिए चाहिए, ताकि होता ना ताकि ज़्यादा ना हो पाए, बोल के उसको ऐसे बांध दिया होता है ताकि ज़्यादा फूले वाले नहीं, अंदर कुछ ज़्यादा ही मतलब होता ना वो सब करे नहीं, हल्का सा उस मतलब फिंगर्स और हाथ को रैप कर दिया होता है। और मतलब फिर उसके बाद मतलब होता ना जो वेइंग होता है लंजन होते बैठे रहते हैं, लंजन जो होता है ना वेइंग के पास ही बैठा होता है, एकदम उसका सर झुका के बैठा, उसको अंदर से इतना मतलब अंदर से दुखी फील हो रहा होता है। पर मतलब होता है ना वेइंग और जो ग्रैनी है ना उसको काफ़ी समझाते हैं, समझाने के बाद जाके लंजन जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स होता है। उसके बाद अब जो होता है जो डिनर ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट लग गया होता है, टेबल में बैठते हैं और बैठ के वो लोग खाते हैं, खाने के लिए बैठते हैं। तो तभी ग्रैनी बोल रही होती हैं जो हाउसकीपर है वो बताती हैं कि इसमें सारी लगभग सारी चीज़ें जो है ना लंजा हमारे सन इन लॉ ने ही बनाई है, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताओ। तो जो ग्रैनी है उनको भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और वेइंग को भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें वेइंग और ग्रैंडमा दोनों की फेवरेट चीज़ें बनाई होती हैं लंजन ने। और वेइंग खाता है और इतना सरप्राइज होता है क्योंकि मतलब सचमुच का लंजन का जो कुकिंग ना इतना टेस्टी होता है, और वेइंग बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा कुकिंग करते हो मुझे पता ही नहीं था, मेरे को तो बोनस हस्बैंड मिल गया है, मेरा हस्बैंड देखो इतना टैलेंटेड है कि उसे कुकिंग भी आता है इतना कम एज के होने के बावजूद भी, क्योंकि जो अभी लंजन है ना अभी कॉलेज ग्रेजुएट ही है और मतलब वो इतना अमीर फैमिली से है और मतलब इतना पैम्पर्ड है कि मतलब वेइंग को भी पता नहीं होता है कि वो कुकिंग वगैरह करना आता है, क्योंकि वेइंग तो सिंगल रहता है भाई और उसके पेरेंट्स हैं नहीं, ऊपर से ग्रैनी से भी दूर रहता है, तो वो मतलब होता है ना खुद ही कुकिंग करता है, उसको पसंद भी नहीं है कि उसे घर में मेड वगैरह रहे, तो बोल के वो खुद ही कुकिंग वगैरह करता है। उससे एक्सपेक्टेड है कि वेइंग को आता है, लंजन को आता है, ये चीज़ थोड़ा सरप्राइजिंग होती है। तो मतलब सब लोग काफ़ी तारीफ कर करके खा रहे होते हैं और मतलब बोल रहे होते हैं कि ये तो लग रहा है कि कितने ईयर्स में मतलब कुकिंग के एक्सपीरियंस से वैसा कोई बनाता है, इतना अच्छा बनाया है मतलब जो लंजन ने खाना।
सब तारीफ करके खाते वाते हैं। और जो लंजन होता है ना वो भी मतलब अब रिलैक्स हो गया होता है, वो भी खा रहा होता है। और जो उसको कुकिंग के एक्सपीरियंस है ना, लंजन सोच रहा होता है कि ये सचमुच का ईयर्स का ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट बर्थ में उसने कितना जो कुकिंग किया होगा, उसने वेंचाओं को खुश करने के लिए क्या नहीं किया कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए, क्योंकि उसने खुद ही किया है। अब जो ये बर्निंग वाला इंसिडेंट हुआ है, ऐसा इंसिडेंट ना उसके साथ प्रीवियस बर्थ में भी हुआ था। वो फर्स्ट टाइम जो किचन में गया था, उसने शादी से पहले ना कभी किचन में होता ना पैर भी नहीं रखा था अपने घर में। और मतलब जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम जाता है वो कुकिंग करने के लिए, तो मतलब उसके साथ ऐसे ही ऑलमोस्ट वो भी बर्न होने वाला था और हो भी गया था। उसने जो ना मतलब उसके शादी के बाद जब उसका फर्स्ट नाइट था, उसके साथ तो ऑलरेडी वेडिंग नाइट को इतना सब इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद भी लंजन जो होते ना सुबह मतलब होते ना एक जैसे इसके एक नए वेडेड जो होता है ग्रूम या वाइफ जो भी बोलो, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सुबह उठना है, अपने इन लॉज को विश करना है, तो वो वैसे ही करता है। सुबह अपने इस ब्रोकन बॉडी के साथ भी लंजा उठता है, उठ के जाके किसी तरह नीचे जाता है तैयार होके। और जो उसकी मदर इन लॉ होती हैं, उसके फादर इन लॉ तो नहीं होते हैं घर में उस टाइम, तो उसकी मदर इन जो होती हैं वो देखती हैं कि लंजन का हालत क्या है। वो देख रही होती हैं कि लंजन लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा होता है, स्टेयर्स को भी बिल्कुल ऐसे पकड़ पकड़ के उतर रहा होता है। उनको भी पता चल जाता है कि कल रात को क्या हुआ है, बस चीखे तो ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं दी होंगी, उसको चीखे तो सुनाई दी ही होंगी। उसके बाद भी ना वो कोई सिंपथी नहीं दिखाती हैं, वो जाके उनको विश करता है गुड मॉर्निंग मामा बोल के। तो बोलती है कि इतना लेट से उठे हो, उसमें गुड मॉर्निंग का कुछ नहीं है, तुमको पता नहीं है एक मतलब गुड वाइफ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तुम्हें उठना है, नाश्ता वगैरह बनाना है सबके लिए, सबको ग्रीट करना है, सबसे पहले उठना है, तुम इतना लेट से उठने से चले गए क्या, तुम खुद को अभी भी लैंड फैमिली का एक बहुत प्रिंस समझ रहे हो क्या, तुम हमारे घर के मतलब हो, हमारे घर के नियम तुमको करने पड़ेंगे, बोल के उसकी जो सास होती है ना काफ़ी सुना देती है उसको। उसके बाद उसको एक तो ऑलरेडी उसका बॉडी में पेन होता है, ऊपर से उसको सुनना पड़ता है ना, दुखी हो जाता है, फिर भी क्या करें। वो मतलब वो जाता है किचन में और वहाँ पे जो होते हैं ना मेड होती है, एक ही मेड होती है, मतलब वो कुछ कर रही होती है, तभी उसकी ग्रैंड मदर जो सॉरी ग्रैंड मदर बोले उसकी सास होती है ना पीछे से बोलती है कि तुम जाके क्लीनिंग करो और ये जो है ना ये इसका काम इसको छोड़ दो। तभी लंजा बोलता है कि मामा मुझे मतलब खाना बनाना नहीं आता है। तो उसकी मामा बोलती है इसमें बड़ी बात क्या है, चलो ठीक है तुम चाय तो बनाओ, मैं ये जो है ये तुमको हेल्प कर देगी, बता देगी, पर अब तुमको सीखना पड़ेगा, हमारे घर में मतलब मेड्स इतना नहीं करती हैं, खुद ही तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बोल के ना वो चली जाती हैं। और जो लंजन होता है ना तो चाय तो बनाना आता ही है, वो चाय बनाने के लिए निकाल रहा होता है, तभी उसको पता नहीं होता है कि मतलब होता है ना कितना क्या करना है, तो उसको छांक रहा होता है, तो जैसे छांक रहा होता है ना उसका जो गर्म हवा है वो उसके हाथों में उसके फिंगर्स में लग जाती है। उसको इतना पता नहीं होता है कि उसको साइड से पकड़ना है, कि हवा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हवा भी उसको बर्न कर सकती है। उसके सचमुच उसके फिंगर्स के तीन फिंगर्स जो होते हैं ना वो सचमुच के बर्न हो जाते हैं, उसके हाथों से ना चाय बिल्कुल गिर जाता है, मतलब उसको बर्न होता है, उसके हाथ से जो केटली होता है चाय का वो गिर जाता है, और चाय का केटली गिर जाता है और चाय बिल्कुल लगभग गिरने वाली होती है। तो वो किसी तरह हाथ डाल के उस मतलब जो होता है ना कप को निपचा लेता है ताकि कप नीचे गिरे नहीं। उससे क्या होता है जो उसकी भाप लगी हुई होती है उंगलियां वो जो चाय के कप में लग जाती हैं और ज़्यादा ही बर्न हो जाती हैं, तुरंत ही उसमें ना स्वेलिंग आ जाता है और उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है ना। ये सुन के उसके सास आती हैं और आके बोलती है कि तुमसे एक चाय बनाने का काम भी ढंग से नहीं होता क्या, बोल के उसको सुना देती हैं। और सुना के बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिंगर ही जला है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मत करो, जाओ आटा गूंदो। तो उसको बोलते ना आटा गूंदने के लिए दिखा देती हैं, उसको जो मेड आती है सारा सामान उसको दे देती है और उसको बताती भी है, इंस्ट्रक्ट भी करती है कि ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करती रहिए और इतना सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको आप गूंदना बंद कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे हाथ से उसको नीड करती रहिए। और उसकी जो ग्रैंड जो उसकी सास होती है मदर इन लॉ वो भी पास में ही खड़ी हुई होती है, और जो पास्ते का जो डॉग मतलब जो होता है आटा गूंद रही होती है पास्ता बनाने के लिए, वो देख रही होती है अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदर इन लॉ मतलब थोड़ा नाराज़ भी हो रही होती हैं। वो जाती हैं और जाके मतलब उसका हाथ हटा देती हैं, हटा के बोलती हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा मैं खुद कर लूँगी, बोल के उसको बोल के खुद ही उसको हटा के उसको करने लगती हैं। और जो होते हैं ना लंजन रोने लगता है, बोलते हैं कि मदर इन लॉ मदर मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं कर लूँगा, तो उसकी मदर जो होती है ना चिल्ला के बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ लगता है कुछ नहीं सिखाया है, तुम्हारी बहन जियालिन कितनी मतलब अच्छी थी, एंजल थी, और तुम्हारी वजह से बोल के ना वो चुप हो जाती हैं। अब जो होते हैं ना लंजन बिल्कुल उसके आँख से रोने लगता है, और उसकी मदर इन लॉ बोलती हैं कि मेरे बेटे को पास्ता बहुत पसंद है और मेरी बहू जो उसके लिए इतना अच्छा पास्ता बनाती थी, पता नहीं मेरा बेटा अब कैसे रहेगा।
बोल के उसको और सुनाने लगती हैं और देखती हैं कि लंजन अभी भी रो रहा है पर उसके पास ही खड़ा है। तो बोलती है कि सारा दिन मेरे पास ही बैठे रहोगे, जाओ जाके टेबल होता है कम से कम टेबल तो सेट करो, बोल के उसको मतलब बता देती हैं, उसको वहाँ से भगा देती हैं। और जो लंजन होते हैं अब क्या करे, उसको ऑप्शन नहीं होता है, तो उसका हाथ में जल रहा है, ऊपर से उसके इतना सुना दिया, उसके दिल में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा है, उसके बॉडी में पेन हो रहा है, वो किसी तरह जाता है, रोते रोते जाता है, बाहर जाता है, जाके खुद को आंसू से पोंछता है, खुद को मतलब होता है ना थोड़ा सा ठीक करता है। उसके बाद मतलब होता है ना नाश्ते का तैयारी वाले पेट पेट जो होता है मेट के हेल्प से जहाँ बताया होता है वहाँ से निकालता है और सब हेल्प करने लगता है, हेल्प हेल्प करता है। तभी जो उसका सन होता है वो भी कहीं दूसरे रूम में सोया होता है, उठ के आता है, आके ना अपनी मदर को ग्रीट करता है, वेंचा ग्रीट करके बोलता है कि माँ मैं कहीं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए और मतलब आप जो है घर संभाल लेना, बोलता है। बोल के वो नाश्ता थोड़ा बहुत करता है और कर को लंजन को बिल्कुल एक झलक भी नहीं देखता है, कुछ नहीं बोलता है, बोल के निकल के चला जाता है। और उसके बाद ना जो उसका हस्बैंड एक हफ्ते के लिए चला जाता है और उस एक हफ्ते में उसका हाथ तो ऑलरेडी जला हुआ होता है लंजन का, पर ये है कि उसके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिला होता है क्योंकि एक हफ्ते में उसका बॉडी में जितना कुछ हुआ है वो थोड़ा रिकवर हो गया होता है, वरना अगर वो रहता तो पता नहीं इसे क्या होता है। तो इसलिए लंजन जो होता है ना बहुत अंदर से रिलैक्स फील कर रहा होता है कि चलो ठीक है, वेंचाओ है नहीं, वरना वही चीज़ अगर उसका रोज करे तो उसको लग रहा होता है कि वो तो अभी मर जाएगा। पर उसका हाथ का जो पेन है ना वो तो कमा होता नहीं, ऊपर से उसके मदर इन लॉ कोई चांस नहीं छोड़ती हैं उसको सुनाने के लिए, बोलती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहू मर गई, मेरा पोता मर गया है ना, अब मेरा बेटा भी देखो घर में आना बंद कर दिया है, एक हफ्ते से गया हुआ है, तुम्हारी वजह से वो घर आना नहीं चाहता है, बल्कि और उसको सुना रही होती हैं और मतलब लगभग घर के उसी हाथ में जले हुए हाथ से उसको काम करवाती हैं। ऐसा नहीं कि खाने पीने का कोई कमी है, वैसा कुछ नहीं है, पर लंजन का मन इतना दुखी होता है ना कि खुद ही वो खा पी नहीं रहा होता है, ऊपर से एक मेंटल प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ख़राब चीज़ होता है। तो लंजन जो है ना किसी तरह हेल्थ तरीके से उसका एक हफ्ता गुजरता है और मतलब होता है ना, पर उसका बॉडी जो है ना काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा होता है। अब जो होता है ना ये जो होता है ना अभी प्रेजेंट मोमेंट में लंजन यही सब सोच रहा होता है, सोचते सोचते ना नाश्ता कर रहा होता है और सब लोग उसका देख रहा होता है कि सब लोग उसका इतना तारीफ कर रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी खुशी महसूस हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैंने इतना कष्ट करके ये सब चीज़ें सीखी हैं, चलो कम से कम अभी तो काम आ रही हैं, और मतलब उसे अच्छा लग रहा है कि ये अब सही लोगों के लिए बना रहा है, जो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब पिछले जन्म में उसको जो भी चीज़ करता था उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, उसको कितना भी बेस्ट कर ले उसको हमेशा कमियां ही निकाली जाती थी, और अभी देखो मतलब उसे भी पता है कि जितना वो बेस्ट करता है उतना नहीं कर पाया है, फिर भी ये लोग इतना अच्छे से तारीफ करके खा रहे हैं, उसको इतना अच्छा लग रहा है और सब लोग उसको फील हो रहा है कि हाँ फैमिली ऐसी होती है, फैमिली ऐसी होती है, भले ही यहाँ पे मतलब तीन ही लोग हैं पर फिर भी एक फैमिली वाला जो फीलिंग आता ना वो लंजन को शायद उसने अपने फैमिली में भी नहीं देखा है ये चीज़ को। और एटलीस्ट अभी जो उसको मतलब लग रहा होता है कि हाँ मतलब ठीक है उसने लाइफ में अपना सही डिसीजन लिया है। उसके बाद नाश्ता वगैरह हो जाता है तो जो ग्रैंडमा होती हैं वो मतलब ना जो लंजन और उसको बोलती हैं कि चलो मैं तुमको दिखाती हूँ मतलब पूरा विला दिखाऊंगी, बोल के पूरा विला वगैरह लंजन को दिखाती हैं और भी दिखाती हैं जो होते हैं ना उनके पीछे गार्डन वगैरह होते हैं और फिर माउंटेन्स भी दिखाती हैं, बोलती हैं आज तो टाइम नहीं है अभी नेक्स्ट टाइम आओगे तो माउंटेन्स में भी घूमने जाना वेंग के साथ, वेंग को यहाँ पे ना घूमना वॉकिंग करना ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है और ये पूरा माउंटेन का लगभग सारा ही हिस्सा हमारा है, तुम आओगे तुम्हें भी काफ़ी अच्छा फील होगा। और लंजन भी बोलता है कि हाँ उसे एक्चुअली में यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है और वो चाहता है कि वो आगे आए यहाँ पे, तो प्रॉमिस करता है कि हाँ ग्रैनी मैं बिल्कुल आऊँगा। फिर वो लोग वापस आसपास का घूमते हैं, घूम के रूम के अंदर आते हैं, उसके बाद जो ग्रैंडमा होती है ना उसको खींच के ले जाती है, बोलती है कि आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। और वेंग जो होता है ना कोई फ़ोन कॉल वगैरह कुछ आया होता है तो वहाँ पे भी इस मोमेंट में साथ में नहीं होता है। जो ग्रैंडमा होती हैं बाउसन सेंडन वो मतलब एक रूम में ले जाती हैं और वो रूम में ना काफ़ी फोटोग्राफ्स वगैरह सजाए हुए होते हैं, मतलब वो ऐसा लग रहा होता है ना क्योंकि मेमोरी वाला रूम है होता है ना उसमें मतलब क्लीन है बिल्कुल, पर वो रूम देख के फील होता है कि वो रेगुलर कोई यूज़ नहीं करता, उसमें काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे। तो जो ग्रैंडमा बाउसन सेंडन होती हैं वो लंजन को सारी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाती हैं कि ये वेंग के मदर हैं, ये वेंग के फादर हैं, ये उनके हस्बैंड है बाउसन सेंडन के हस्बैंड हैं, और भी फैमिली मेम्बर्स के फोटो होते हैं ना सब कुछ दिखाती हैं। उसके बाद ना कुछ फ़ोटो फ्रेम्स में मतलब लंजन का भी फोटोज़ होते हैं, बचपन के फ़ोटोज़ से लेके बड़े का फ़ोटोज़ होता है वो सब भी दिखाती है, और मतलब लंजन उसको वेंग के फ़ोटोज़ देख देख के ना इतना मतलब स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वेंग बचपन से इतना ब्यूटीफुल था।
तो उसको सारे फोटोज वगैरह दिखाती है और उसको देखती है ना कि जो लंजन है वो इतना ध्यान से वेंग के बचपन के फोटोज को देखता है, तो बोलती है कि इसके और भी फोटोज हैं, रुको मैं तुमको एल्बम भी दिखाऊंगी। पॉल के बैठती हैं और बैठ के ना वेंग को सारे मतलब वेंग के एल्बम्स जो होते हैं ना लंजन को दिखाने लगती हैं, और लंजन सब कुछ को ध्यान से देख रहा होता है। तभी एक एल्बम में ना उसको अपना फोटो भी दिखता है, मतलब देख के पहचान जाता है कि ये वो है, और उसे ना वो याद आता है ये वाला मोमेंट होता है ना, ये उनके जो लंजन है और वेंग का अभी जो घर है आमने सामने वाला, उस घर का ही एक्चुअली फ़ोटो होता है ना, उस समय ये घर जो है ना और ज़्यादा ही पॉश था, जो वेंग के ना पेरेंट्स जो है ना जिंदा थे उस टाइम में, और उनकी फैमिली भी जो होता है ना, वेंग ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, मतलब अभी तक अकॉर्डिंग टू लंजन को पता नहीं है कि जो भी लंजन को लगता है कि उसका बिजनेस बंद हो गया है, तो बिजनेस जो है ना बंद कर दिया है। तो मतलब उससे पहले वो लोग काफ़ी फ्लॉरिशिंग फैमिली थे, लन फैमिली इतना ज़्यादा रिच नहीं था, मतलब दोनों इक्वल फुटिंग में आते थे, वैसे फैमिलीज थे। तो उस समय जो है ना वेंग और लंजा साथ में खेलते थे बचपन में, और जो मतलब वेंग है ना उसे हमेशा किताबें वगैरह पढ़ना पसंद है, उसे बाहर बहुत ज़्यादा खेलना पसंद नहीं था। तभी मतलब लंजन को याद आता है कि उनके घर में ही एक मतलब एक बड़ा सा स्टडी रूम था, उसमें काफ़ी सारे बुक्स थे, और जब भी वो छूटा था ना तो वो जाता था, मतलब उसे लाइब्रेरी में जाना इतना पसंद नहीं था उस रूम वाले रूम में, तो इसीलिए वो क्या करता था मतलब उसको खेलने के लिए लेके जाता था वेंग को, और वो उसको थोड़ा समय खेलता था। इतने फेमस फेमस बुक्स थे ना कि वो उसको बहुत बोरिंग लगता था, वो थोड़ा समय पढ़ता था, फिर उसको देख के ना मतलब कुछ दिन तो उसने ऐसे एक्टिंग किया, फिर वो क्या करता ना छुपा के अपनी कॉमिक्स बुक लेके आ जाता था। पर उसको लंजन के साथ, जो लंजन को ना वेंग के साथ टाइम स्पेंड करना इतना पसंद था कि मतलब जो वेंग है ना वो भले ही अपनी बोरिंग बुक्स पढ़ रहा हो, लंजन ना उसके पास ही पढ़ने का एक्टिंग करता था, पर उसी बुक्स के अंदर ना वो कॉमिक्स बुक्स को छुपा देता था और छुपा के पढ़ता था। दोनों ना मतलब ऐसे ही अपना टाइम घंटों तक वहाँ पे स्टडी रूम में नीचे फ्लोर में मैट के ऊपर लेटे लेटे टाइम स्पेंड करते थे। और कभी कभी होता था ना कि मतलब लंजन जो है पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाता था कि वो ज़बरदस्ती ना वेंग को खींच के बाहर ले आ जाता था, और बाहर वो लोग आके फिर बाहर खेलते थे। और जो अभी जो है ना मतलब तो जो वेइंग होता है वो मतलब अभी वो सब चीज़ें याद कर रहा होता है, तभी सोच रहा होता है कि हाँ इसी मोमेंट का कभी किसी दिन लिया हुआ ये फ़ोटोज़ है, जो उसको बिल्कुल याद नहीं है, पर ये फ़ोटोज़ संजो के रखे हुए फ़ोटोज़ देख के ना उसे समझ में आता है कि ये ज़रूरी मतलब उनकी फैमिली में किसी ने लिया होगा। तभी जो ग्रैंडमा होती है वो देखती हैं और बोलती हैं कि ये जो है ना वेइंग की मम्मी ने फ़ोटोज़ लिए। जो है ना बचपन से बहुत ज़्यादा ही शाही था, उसे कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, पर वो तुम्हारे साथ ही ना इतना शाइनेस के बावजूद भी तुम्हारे साथ खेलता था ना कि उसकी मदर को मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए ना मतलब उन्होंने एक मतलब उसका उनकी आदत था कि अपने बेटे का ना वो ऐसे प्रीसियस मेमोरीज का फ़ोटोज़ लेती थी। तो ये इसी दिन का लिया हुआ फ़ोटोज़ है, और ये उन्होंने दिखाया था मुझे, और मैंने ही उसका एक कॉपी लेके अपने पास रख दिया था। और तुमने मतलब लंजन के घर में ये फ़ोटोज़ देखे नहीं है कि लंजन के पास भी तो बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, उसमें तुम्हारे भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं। तो लंजन बोलते हैं कि नहीं मुझे देखने का चांस नहीं मिला। तो उसकी ग्रैंडमा होती है ना वो स्माइल करती है, बोलती ठीक है अभी जाना तो सब देख लेना, वेंग के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। उसके बाद होता ना जो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं वो और भी काफ़ी सारे बचपन की चीज़ें दिखाती हैं, जैसे होते ना वेंग के टॉयज़ होते हैं, उसके कपड़े होते हैं जो संभाल के रखे होते हैं, और उसकी बनाई हुई फर्स्ट फर्स्ट जो उसकी बचपन वाली पेंटिंग्स होती है ना, जो बचपन में उसने स्टार्ट की होती है वेंग ने, वो सब सारी पेंटिंग्स भी दिखाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती हैं। ऐसे करते करते ना काफ़ी समय बीत जाता है, वेंग भी आ गया होता है, अभी आके उसने भी ज्वाइन कर लिया होता उनको। फिर लोग काफ़ी इसमें बातचीत वगैरह करते हैं, फिर वेंग बोलता है कि ग्रैंडमा मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा आज ही, क्योंकि मेरा ना शाम को एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आ गया है मेरे आर्ट को लेके, मेरे आर्ट गैलरी को लेके, तो मुझे जाना ही पड़ेगा किसी तरह, वरना मैं तो चाहता था कि हम रहें यहाँ पे कुछ दिन और। तो ग्रैंडमा जो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग न्यूली वेड से मैं सब समझ सकती हूँ, तुम अपने हस्बैंड को भी ले जाओ और तुम लोग बीच में आते रहना, ग्रैनी को अकेले मत छोड़ना, अपन तुम लोग साथ में बिल्कुल जाओ, तुम लोग को भी बिल्कुल साथ में रहना है, टाइम स्पेंड करना है, और अपना हनीमून का प्लान कब बना रहे हो मुझे बता देना, कहाँ जाना है, टिकट्स जो है ना मेरी तरफ से गिफ्ट रहेंगे इसलिए मुझे पहले ही बता देना। जो वेइंग होता है ना वो भी स्माइल करता है, बोलता है हाँ बिल्कुल ग्रैंडमा मैं आपको बता दूंगा। फिर दोनों मतलब ग्रैंडमा को विश वगैरह करते हैं, अपना हल्का फुल्का पैकिंग वगैरह करके वहाँ से निकल जाते हैं, और निकल के मतलब होता है ना अपने घर के लिए आने लगते हैं। अब जो उनका कार होता है ना मतलब अभी आ गया होता है, जो वेंग है उसके घर के सामने आ गया होता है, और जो लंजन है ना वो गाड़ी में ही सो गया होता है। तो मतलब जो वेंग है ना पहुंचने के बाद लंजन को उठाता है, और लंजन भी देखता है कि वो पहुंच गए हैं, तो बोलता है अच्छा हम आ गए,
बोल के उठता है और उठ के आके घर में आता है, घर में आता है, घर में आके रूम वगैरह खोलते हैं। और तभी जो है ना वेंग बोलता है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं अपने आर्ट गैलरी में जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे? तो लंजन बोलता है कि मैं भी अपना थोड़ा रूम वगैरह सेट करूँगा, मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ फ़ोन कॉल एक दो करने में, उसको फ़ोन कॉल वगैरह करूँगा। बोल के जो मतलब वेंग होता है लंजन को अपना रूम वगैरह सेट करने मदद करता है, और करने के बाद ना वेंग अपने काम के लिए निकल जाता है। तो इस पार्ट को ना हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग बताना आप लोग को ये जो स्टोरी है यहाँ तक कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग अपने जो कमेंट्स होते हैं ना आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करना, आप लोग बताना आप लोग को कैसी लग रही है ना, और आप लोग क्या चाहते हो आगे, सबको जो भी बातें करनी है ना आप लोग कमेंट्स करना, बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स सुन के। ओके देन, बाय, टेक केयर।